Hello and welcome back to this learning platform. And uh, in today's video, we are going to discuss this question paper, sample question paper, and for remedial English and Bachelor of Computer Applications, Semester One. And the students who are watching this uh, may have an idea about the question paper setting. Ki how question paper will be set? Kya pattern rahega questions ka? Kya pattern rahega marking? Kya scheme rahegi? कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सो so, ये बहुत सारे डाउट्स थे उनका आंसर करने का तरीका लॉट ऑफ थिंग्स यू विल नो अबाउट इट जब हम इसका सेक्शन ए देखेंगे और सेक्शन बी देखेंगे दोनों को देखने के बाद एक आइडिया आपको होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है और कैसे क्वेश्चन पेपर का नेचर क्या है क्वेश्चंस का क्या नेचर है ठीक है सो दिस विल कैरी योर थर्टी मार्क्स एंड फॉर टू आवर्स हम इसका जो ड्यूरेशन रहेगी वो टू तो तो आवर्स की रहेगी और सेक्शन इसमें ए और सेक्शन बी रहेंगे ठीक है कोई चॉइस नहीं है इंटरनल इधर इंटरनल नॉट एक्सटर्नल कोई चॉइस नहीं है कि अंदर क्वेश्चन में कोई चॉइस है जितने भी क्वेश्चन दिए हैं ऑल क्वेश्चन देखो ऑलरेडी इट इज रिटेन ऑल क्वेश्चन सेक्शन शुड बी आंसर्ड एट वन प्लेस ठीक है

और क्वेश्चन नंबर इसका बी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ठीक है तो आपका 1.5 पॉइंट फाइव मार्क्स हाफ मार्क्स का वन हो गया ये और हाफ मार्क का ये हाफ मार्क का ये और बाकी वन पॉइंट फाइव मार्क्स का आपका ये यानी टोटल आपका ये पोर्शन एक क्वेश्चन आपका ऐसे थ्री मार्क्स का है ठीक है सो इट्स नॉट एन इजी टास्क कि तीन नंबर एकदम से आपके आ जाएंगे तो इसके लिए आपको लिखना होगा जैसे पहला है दूसरा है तीसरा है ठीक है तो इसमें देखो पहले है आइडेंटिफाई दी द्स

एजेक्टिव कहाँ है वो आपको फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करने के बाद आपको लिख देना है कि ये आंसर जैसे आंसर आंसर नंबर ए और आप लिख दोगे ठीक है ये आपका एजेक्टिव हो गया इसमें फैंटेस्टिक कार यूजली जो एजेक्टिव होते हैं वो क्या बताते हैं एजेक्टिव बताते हैं किसी नाउन के बारे में देखो नाउन क्या है यहाँ ये यह कार नाउन है और फैंटेस्टिक इस कार को बोला जा रहा है ठीक है यानी कार की विशेषता बता रहा है डिस्क्राइबिंग दिस कार कैसी है कार फैंटेस्टिक है इसलिए जो फैंटेस्टिक वर्ड है वो क्या है यहाँ पर एजेक्टिव है तो आपका पहले का आंसर हो गया fantastic. दूसरे का लिखोगे आप सेकेंड का आंसर होगा आपका दे आर एंजॉइंग ग्रैंड पार्टी पार्टी क्या है देखो पार्टी नाउन है और फिर से हम पार्टी को क्या बोल रहे हैं शानदार पार्टी यानी ग्रैंड पार्टी तो ग्रैंड जो है ये वो क्या हो गया आपका एजेक्टिव हो गया यहाँ पर तो so आंसर पहले का पहले का हो गया आपका फेंटेस्टिक पहले का दूसरे का यानी ए का दूसरे का हो गया आपका ग्रैंड अब आता है थर्ड टीना लव्स कलरफुल पेपर्स ठीक है अब कलरफुल क्या बता रहा है पेपर क्या है आपका नाउन है फिर से वही बात हो गई और कलरफुल बता रहा है पेपर्स के बारे में यानी आपका पहले का ए का थर्ड आंसर हो गया कलरफुल यानी ये तीन वर्ड आपने लिखे और आपके 1.5 मार्क्स हो गए सिक्योर ओके अब आता है इसका बी पोर्शन बी पोर्शन में डिफरेंशिएट एनिमेट एंड एंडिमेट नाउन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स इसमें आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है आपको सिंपली ये बताना है कि एनिमेट नाउन क्या होते हैं एनिमेट नाउन क्या होते हैं आपके एनिमेट नाउन वो होते हैं जो खुद से मूव कर सकते हैं जैसे ह्यूमन हो गए है ना एनिमल्स हो गए है ना जो खुद से मूव करते हैं जैसे इंसान है हम खुद से मैं अभी देखो आई एम मूविंग माई हैंड्स मैं अपनी नेक ये सब मैं मूव कर पा रहा हूँ बिकॉज ये किसके लिए यूज हो रहा है एनिमेट नाउन में आएगा इन एनिमेट नाउन जो खुद से मूव नहीं कर सकते जैसे लैपटॉप हो गया है ना मोबाइल हो गया तो ये खुद से मूव नहीं करते इन्हें कोई दूसरा इनको मूवमेंट देता है चलाता है करता है ऑपरेट करता ठीक है तो आपको अपनी लैंग्वेज में ही लिख देना है है ठीक और एक दो एग्जाम्पल डाल देने से एनिमेट नाउन का मैंने अभी आपको बताया और आपका एक इन एनिमेट का इसी में आपका ये 1.5 पॉइंट फाइव मार्क्स मार आपके सिक्योर हो गए यानी इतना करने के बाद अब आपके क्वेश्चन नंबर के लिए यू हैव क्वालिफाइड फॉर थ्री मार्क्स यानी आपके तीन नंबर इसमें सिक्योर हो गए ठीक है इनसे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं ये सीओ और ये आपका ये ब्लूम्स येमी और ये सब नॉलेज लेवल इनसे आपका कोई मतलब नहीं है ये आ, दूसरा मतलब एक प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी का उसमें नेक के थ्रू बताया जाता है कि लर्नर का लेवल क्या है उस हिसाब किस हिसाब का क्वेश्चन है कोर्स आउटकम कौन सा इसको फॉलो कर रहा है तो ये आपका कोई इसको ए और सी को देख के कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ मार्क्स देखेंगे कि मार्क्स इतने थ्री मार्क्स है ये आपका ये पूरा पोर्शन सॉल्व करने के लिए आपको थ्री मार्क्स मिलेंगे ठीक है अब आता है आपका देखो क्वेश्चन नंबर टू ठीक है क्वेश्चन नंबर टू भी इजी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्या पूछा है पूछा है मेंशन प्रोनाउन गिवन इन दीज सेंटेंसेज एंड दियर टाइप तो क्वेश्चन जो सैंपल पेपर में दिए हैं पूछने का तरीका यही होगा लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे कि सेम क्वेश्चन आपको एक्चुअल पेपर में मिल जाएंगे हाँ, लेकिन ये है कि पैटर्न यही होगा पूछने का ठीक है तो अगला है देखो ये मेंशन मैं प्रोनाउन गिवन इन दी सेंटेंसेस एंड सेंटें टाइप अब आपको इनमें से मेंशन करनी है प्रोनाउन कौन सी है और उसका टाइप क्या है जैसे हैव यू सीन माय कार तो हैव यू सीन माय कार में क्या हो गया you, आपका यू आपका प्रोनाउन हो गया कौन सा प्रोनाउन हो गया पर्सनल प्रोनाउन हो गया आप आंसर क्या करोगे टू आंसर ऐसे डालोगे आप आंसर नंबर टू ए एंड ए का भी रोमन में आपका ये फर्स्ट और उसका आंसर होगा आपका

ये भी पर्सनल प्रोनाउन है लेकिन केस ऑब्जेक्टिव है तो आप सिर्फ हिम लिख के और उसके आगे पर्सनल प्रोनाउन लिख दोगे दैट्स ठीक है अगर आपको और पता है तो आप लिख सकते हो कि हाँ उसका ये ऑब्जेक्टिव केस है ठीक है सब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव केस है वैसे ही उसका ठीक है लेकिन आपके आंसर सिर्फ वैलिड है इसमें कि आपने लिख दिया हिम और उसके आगे आपने लिख दिया पर्सनल प्रोनाउन थर्ड है आई डोंट लाइक इट्स स्मैल मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है इसमें से आपको प्रोनाउन ढूंढना है देखो इट्स भी इसमें प्रोनाउन है और आई भी प्रोनाउन है, है? Like तो है तो आप फिर इट्स लिखोगे इसका लिखोगे है कोई दोनों में से कोई एक आप सॉल्व कर सकते हो आप उसको देखे कंफ्यूज नहीं होना है कि दो दे दिए तो आप दोनों का बताना है तीन का बताना है आपके लिए सफिशियंट है कि आपका हाफ मार्क में है तो आप इसमें से एक प्रोनाउन ढूंढो और उसका टाइप को बता दो

देखो कैसे आंसर दोगे दूसरे का बी उसका पहला द लीडर हैज बीन है वो ए से शुरू हो रहा है ठीक है इसकी जगह मास्टर होता मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता तो हम यहाँ ए लगाते इसी वर्ड के लिए लेकिन अभी हम इसको बोल कह रहे हैं साउंड क्या प्रनाउंस कर रहे हैं इसका एम इसीलिए इससे पहले हम लगाएंगे एन एम बी ए डिग्री ये करेक्ट होगा यानी ए हट जाएगा तो आपको अपने आंसर में लिखना है आंसर नंबर टू टू का बी बी का सेकेंड सॉरी वी का फर्स्ट और उसमें लिखना है आपको राइट right करके लिखना है पूरा करके आपको अपने में लिखना है ओके ही इज ही इज अ इंटेलिजेंट मैन देखो यहां क्या गलती है यहां इंटेलिजेंट से पहले एन आएगा क्या आएगा ही इज एन इंटेलिजेंट मैन एन आएगा आ नहीं आएगा ये भी आपको करेक्ट करके लिखना है दूसरा है इट इज जनरली सैड दूसरा क्या है दूसरा है इट इज जनरली सैड दैट अ रेसलर इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो देखो इसमें जीरो आर्टिकल है इसमें जबरदस्ती कहीं कहीं कुछ लगाने की कोशिश मत करना जैसे ये है अगर ऐसा कुछ आता है तो इट इज जनरली सैड दैट अ रेसलर इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो दाल लगाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि जनरल सेंस में बात हो रही है जनरली लगा है कि एक जो ऐसा माना जाता है कि जो रेसलर होता है फिजिकली स्ट्रांग होता है ठीक है तो इसमें कोई आपको जबरदस्ती ए एन दा कुछ लगाना नहीं है नॉर्मल है ठीक है अगर ऐसा होता है कोई वर्ड रिपीट हो रहा है है ना तब हम उसमें क्या करते हैं दा लगाते हैं जो दो दो केस मैंने कल की वीडियो में आपको बताए थे वो आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें लगाएंगे लेकिन इसमें कुछ फिलहाल नहीं आएगा अब आता है देखो सेक्शन ए विल कैरी कितने मार्क्स फिफ्टीन मार्क्स तो अभी आपका थ्री प्लस थ्री सिक्स मार्क्स हो गया ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है इसी का

तो तो वर्ब उसके साथ होगी होगी या प्लूरल हो ये आपको आपको बताया था तो उस पे आपको एक नोट इस पे एक शॉर्ट लिखना है 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 ठीक डेफिनेशन इसमें भी नहीं मांगी है. अगला है इसी का मार्क्स में क्योंकि पूरा करेंगे हम इन बाकी के इन तीन क्वेश्चन से देखो ये दिख रहे हैं B, ठीक 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 है, है 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 है, है आप क्या क्या करना इसमें फिर से आ आ गया देख रहे हो? वो था ये तो तो होगा जब as well as आ जाता है, आप में रूल, रूल मैंने कल पढ़ाए थे subject agreement वाले जब well आ जाता है तो उससे पहले क्या होता है पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वर्ब का यूज करते हैं तो वर्ब क्या है इसमें ये आर है. तो ऑनर क्या है सिंगुलर है तो आर यहाँ आएगा यहाँ इज आएगा तो आपको करेक्ट करके अपने में में लिखना है द एज एज वेल ए सर्वेंट इज ना कि आर देखने में ये ठीक लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली ठीक क्या होगा जब हम इसको इज लगाएंगे ठीक है क्योंकि पहले वाला सब्जेक्ट जो है देखो एज वेल एज जो पहले सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें इज इस लगाएंगे अ कार एंड अ बाइक इज द पॉपुलर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ठीक है अब देखो कार से पहले भी ए लगाए बाइक से पहले भी लगाए दब दो सिंगुलर नाउन ठीक है और दोनों अलग अलग कैटेगरी के हों और दोनों से पहले आर्टिकल भी यूज हो रहा हो ठीक है आर्टिकल नहीं भी यूज हो रहा दोनों अलग अलग, कैटेगरी के हैं अगर तो क्या करेंगे हम फिर तो उसके साथ हम देखो क्या लिखा है इज लगाया रखा है लेकिन इज गलत होगा दोनों अलग अलग है तो प्लुल हो गया तो ये तो क्या आएगा आर आएगा यहाँ तभी ठीक करके आपको लिखना है म्यूजिशियन एंड द डांसर इज कमिंग टू देखो म्यूजिशियन एंड द डांसर मैंने बोला कि जब दो जैसे म्यूजिशियन और डांसर एक से पहले तो कोई आर्टिकल नहीं है इससे पहले आर्टिकल का यूज हुआ है तो आर्टिकल अगर यूज हो रहा है तो वो दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करेगा जैसे इससे पहले तो नहीं है लेकिन इससे पहले है इसका मतलब डांसर अलग है म्यूजिशियन अलग है अगर ये ऐसे होता कि म्यूजिशियन म्यूजिशियन एंड डांसर ठीक है तो हम एक ही आदमी को मानते कि एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है अगर कोई आर्टिकल नहीं यूज हुआ या ऐसे होता द म्यूजिशियन एंड डांसर तब भी क्योंकि पहले वाले के अकॉर्डिंग हो गया और दूसरे वाले के बाद कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है तब हम उसको एक एक ही ही व्यक्ति मानते हैं, यानी आदमी के बारे में कह रहा रहा कि जो म्यूजिशियन है है, है, और डांसर वो आ रहा है। तो रहता, लेकिन अब हाँ आएगा आर, ठीक है? अगला देखो क्वेश्चन नंबर क्योंकि अभी तक है, थी -थी के, तो हो चुके हमारे अब हम आ रहे हैं ट्वेल्व मार्क्स की तरफ द स्पीच अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ दर्ड अंडरलाइन नहीं किए हैं आपको इसमें से पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है अंडरलाइन वर्ड्स की ठीक है इसमें अंडरलाइन नहीं हुआ है आपका जो पेपर होगा उसमें अंडरलाइन होगा नहीं भी अगर होता है उसमें अंडरलाइन कोई वर्ड तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको खुद से पता है ठीक है आपको उसमें से बता देना है कायदे में उसमें से अंडरलाइन आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में ठीक है जैसे डिग्री है तो ये क्या है नाउन है है ना आई क्या है प्रोनाउन है तो सारे नहीं बताने सिर्फ जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसी को आपको बताना है ठीक है जैसे हैव यू हाउ कैन यू स्टील हिज ऑब्जेक्ट्स ठीक है तुम उसके ऑब्जेक्ट कैसे चुरा सकते हो तो इसमें क्या है ऑब्जेक्ट हो गया देखो ये ये ऑब्जेक्ट वो वाला ऑब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट वो भी है लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है चीजों के बारे में बोला गया है सामान के बारे में बोला गया कि तुम उसका सामान कैसे, कैसे चुरा सकते हो उसको ऑब्जेक्ट कैसे चुरा सकते हो ठीक है डिग्री हो गया शी ऑफन ऑफन में ऑफन क्या है कौन सा वर्ड है ये ठीक है ना अगर सपोज अंडरलाइन ऑफन कर दिया तो ये हो गया आपको एडवर्ब शी को अंडरलाइन किया होता तो ये होता प्रोनाउन कम को किया होता तो ये होती वर्ब ठीक है कैन को किया होता तो कैन तो आपके सिलेबस में नहीं है तो नहीं पूछेगा मतलब एग्जाम में नहीं पूछा है मैंने और स्टील है आपकी वर्ब ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है आंसर आपको करेक्ट जैसे अगर ये अंडरलाइन होता है इसमें डिग्री तो आप अपने आंसर में लिखते फोर्थ ए उसके लिखते डिग्री उसके आगे लिख देते नाउन दोबारा इसमें से आप लिखते स्टील अगर ये अंडरलाइन होता तो तो स्टील और उसके आगे लिखते वर्ब

कवर्ड थर्टी मार्क्स का पेपर है और दो पार्ट में डिवाइडेड है सेक्शन ए सेक्शन बी ठीक है आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेके आप अपना बाद में इसको समझते रहना प्रॉपर ठीक uh, है एंड उसके बाद देखिए फिलिंदी ब्लैंक्स में हम क्या करते हैं फिलिंदी ब्लैंक्स में थ्री मार्क्स और बचे हैं हमारे अभी

have और had आपको कहीं भी दिख रहा है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो फिनिश्ड आएगा गिव मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इसमें तीन होंगे इसमें मैंने दो ही लिखे हैं क्योंकि आई हैड वेरी यू नो यू नो लैक ऑफ टाइम आई वुड से कि बहुत कम समय था उस कम समय में uh, ये पेपर आपको प्रिपेयर करके मुझे आपको फटाफट देना था क्योंकि आपका कल एग्जाम है एंड सो uh, so, इसमें एक क्वेश्चन और होगा तब यह वन पॉइंट फाइव का होगा सेंटेंस ये आपका से होगा क्वेश्चन तो यहाँ जरूरी नहीं है वर्ड उसमें हो लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ सैंपल के लिए मैंने आपके लिए लिख दिए हैं गैदर तो आपको कुछ नहीं करना है आपको वर्ड उठाना है यहां से गैदर गैदर का मतलब इकट्ठा करना आप इस पर कोई भी एक सेंट है आप लिखोगे आंसर नंबर फाइव बी और वी का वन और उसमें वी का वन और वन लिखने के बाद आप क्या करोगे इसमें कि आंसर नंबर वन और वन में गैदर और गैदर को यूज करोगे सेंटेंस में जैसे uh, the public gathered in the auditorium hall. Gathered इसकी फॉर्म होती है असेंबली हो, तो एरिया कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो सेंटेंस को यूज करना, करना है सेंटेंस में यूज करना है कंप्लीट में कुछ भी बोल सकते हो कंप्लीट कॉन टाइम है ना सो दिस वे वी विल फिनिश तो पेपर इस सेम ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा बस क्वेश्चन सेम नहीं होंगे दैट्स दी दी आर एनी विद यू यस सो लेट्स मूव टू सेक्शन सेक्शन बी बी देखो को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन हैं सेक्शन बी आपका टोटल थियोरटिकल है ठीक है जैसे सेक्शन बी में क्या होगा सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपकी स्टोरी डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी इन डिटेल अब इसकी जगह थीम हो सकता है टाइटल जस्टिफिकेशन हो सकता है कुछ और लेख हो सकता है कि कमेंट ऑन द स्टोरी या और हो सकता है कि डू यू अंडरस्टैंड बाय द द स्टोरी क्वेश्चन होगा और कोई लिटरेरी क्वेश्चन नहीं होगा कि आपको बहुत ज्यादा कुछ लिटरेरी uh, आपसे पूछा जाए चैप्टर से तो इसमें थीम ऑफ द स्टोरी में आप क्या करोगे देखो थीम आती है समरी आती है लगभग लगभग आपको uh, जो आपका स्टोरी है उस स्टोरी को ही आपको बताना है पूरा ठीक है टाइटल जस्टिफिकेशन में भी आपको स्टोरी बतानी है कि इसलिए टाइटल जस्टिफाइड है ये टाइटल बिल्कुल ठीक है द आर

इस चार या पांच जो भी लाइन आपको दिख रही है इन्हीं लाइन पे आपको यहां कितने हो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा है इसमें आपका जो पेपर आएगा उसमें टाइप के कम से कम पांच क्वेश्चन कम कम से कम नहीं एग्जैक्ट पांच क्वेश्चन ही होंगे इसका मतलब होगा कि एक क्वेश्चन आपका वन मार्क का होगा तभी आपको इसमें पांच मार्क्स मिलेंगे यानी पांच तो हो गए आपके उस क्वेश्चन के देखो ये जो दिख रहे हैं आपको फाइव मार्क्स हो गए आपके इस वाले पोर्शन के इसमें पांच क्वेश्चन होंगे एक एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा टेन मार्क्स हो गए आपके टोटल ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जैसे डज ऑथर ऑथर टू शो क्या दिखाना चाहता है ऑथर क्या दिखाना चाहता है आंसर कैसे लिखोगे सिंपल लिख दो इज नॉट ब्लाइंड ही वॉज नॉट ब्लाइंड वो ऐसे करता है कि वो ब्लाइंड नहीं है ठीक है आंसर तो दो लाइन में आंसर आएगा ज्यादा नहीं करना है और एक क्वेश्चन मीनिंग को लेके जरूर होगा मतलब आपके इसी टेक्स्ट से कोई दो वर्ड आपको रख के पूछ ले मीनिंग बताओ इनका मीनिंग आप एक वर्ड में बताना चाहते हो एक वर्ड में बता सकते हो एक लाइन में समझाना चाहते हो तो एक लाइन में समझा सकते हो ठीक है ऑफन का मतलब होता होता है है कि सम 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 रैंडमली यू नो टाइम जो कभी कभी होता है, उसमें हम ऑफन ऑफन का मतलब ऐसे अक्सर होता है है ना वो ज्यादा इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग है ऑफन का मतलब अक्सर ऐसा जो काम होता है उसको हम लिखेंगे ठीक है तो सपोज का मतलब होता है अनुमान लगाना लगाना करना ठीक है तो ऐसे आप क्या करोगे इसको लिख दोगे इसका मीनिंग या या तो एक या एक लाइन में फिर वर्ड से ठीक है एक आएगा आपका मार्क्स में लेटर ठीक है लेटर आपका फॉर्मल लेटर है और फॉर्मल लेटर में भी क्या है ये फॉर्मल लेटर आपका यूनिवर्सिटी uh, अथॉरिटी को देखो जैसे यू मिस्ड फ्यू क्लासेस आपने कुछ क्लासेस मिस कर दी थी एंड यू वांट एक्स्ट्रा क्लासेस आप एक्स्ट्रा क्लास चाहते हो टू कवर इट यानी जो क्लासेस आपने मिस करी थी उसको कवर करने के लिए आपको क्या चाहिए लिखना है एक्सप्लेन करते हुए तो इसमें पैटर्न मैंने वैसे आपको बता दिया है इसका फॉर्मेट बट फिर एक फिर एक बार बता देता हूँ कि जो अभी तक भी सो रहे हैं बच्चे वो जग जाए इसका बिल्कुल सिंपल पैटर्न ये है कि सबसे ऊपर आएगा सेंडर एड्रेस सबसे ऊपर जो टॉप आपका पोर्शन होता है आपकी नोटबुक का सबसे

यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस और जीएल यूनिवर्सिटी जो भी आप डालना चाहते हो कोई भी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप आप बिलोंग करते हो ठीक है उसका भी आप नाम डालोगे यूनिवर्सिटी का और ठीक है ये करने के बाद आप क्या करोगे फिर उसके बाद आप लिखोगे नीचे सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या करोगे आप सब्जेक्ट लिखने के बाद उसमें आप अगर कोई लाइन में पूरा लाइन का सब्जेक्ट मन ना लिखे शॉर्ट फ्रेज की फॉर्म में सब्जेक्ट को लिखें कुछ भी जैसे अभी हो गया मिस क्लासेस है ना आप डाल दोगे रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्लासेस रिगार्डिंग डाल के इसी में से एक वर्ड उठाओ क्या दिख रहा है जैसे एक्स्ट्रा क्लास दिख रहा है रिगार्डिंग एक्स्ट्रा क्लासेस खत्म आपका पूरा हो गया जितना छोटा लिखोगे उतने गलती होने के चांसेस कम होंगे आपके ठीक है उसके बाद आप लिखोगे आप रेस्पेक्टेड सर और मैम और उसके बाद अपने लेटर की बॉडी उसके बाद एक लाइन की कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देते हैं जैसे कई बार नॉर्मल आप थैंकिंग यू लिख के छोड़ देते हो आप लिख सकते हो आई शेल फेवर रिप्लाई लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ प्रॉम्प्ट रिप्लाई लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर काइंड सपोर्ट

We have covered all the topics and the sample paper and your doubts and uh, now we don't have much time to waste. Okay, so keep studying and I know you'll rock the exam and uh, good luck and my good wishes with you. That's all from my side. Let me finish it. Давай.